नमस्कार, डॉक्टर मंगल सेन कृषि विज्ञान संग्रहालय में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए इस ट्रैक्टर पर बैठकर वर्चुअल रियलिटी तकनीक के माध्यम से हम आपको चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर रामधन सिंह बीज फार्म में भ्रमण करवाते हैं। लेकिन एक अनुरोध आपसे अवश्य करना चाहेंगे कि यदि इस उपकरण को लगाने के कारण आपका जी मिथलाता है या चक्कर आ रहे हैं तो कृपया इस हेडसेट को धीरे से उतारें, दो तीन लंबे सांस लें और थोड़ा पानी पिए। 2877 एकड़ में फैले इस फार्म का नामकरण हरियाणवी मूल के विश्व प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक राव बहादुर डॉक्टर रामधन सिंह के नाम पर किया गया है, जिन्होंने गेहूं, दलहन, तिलहन, जौ आदि की कुल 27 किस्में विकसित की थी। आप नज़र घुमाकर दाई बाई और देखेंगे तो आपको उन्नत किस्म की धान की अलग अलग किस्में दिखाई दे रही हैं। धान उत्तरी हरियाणा की प्रमुख खरीफ फसल है। इस फार्म का प्रमुख उद्देश्य कृषि में विविधीकरण के अंतर्गत विभिन्न फसलों के उन्नत किस्मों के बीज तैयार करना है। हमारा ट्रैक्टर अब दाईं तरफ मुड़ रहा है और अब हमारी बाईं तरफ आप देख रहे हैं चारा फसल ज्वार, जो खरीफ की चारा फसलों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में उगाई जाती है। आप देख रहे हैं खरीफ की एक और प्रमुख फसल कपास, जो इस प्रांत के पश्चिमी क्षेत्र में अधिकतर उगाई जाती है। कपास नकदी फसल होने के कारण किसानों की आर्थिक धुरी कही जाती है। इस फार्म को प्रमुख तौर पर चार प्रखंडों में विभाजित किया गया है। बागवानी के विभिन्न फलदार पौधों, सब्जी की उन्नतशील किस्मों, खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, गन्ना, कपास जैसी नकदी फसलों के उन्नतशील किस्मों के बीजों की बिक्री कृषि मेलों के समय की जाती है। रबी मौसम की गेहूं, जौ, चना तथा चारा फसलों के उन्नत बीज यहाँ तैयार किए जाते हैं। 30 क्विंटल बीज प्रति घंटे के हिसाब से बीजों को प्रसंस्कृत करने का संयंत्र बीजों की गुणवत्ता बढ़ाता है तथा अधिक गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाकर किसानों की पैदावार बढ़ाने में प्रमुख भूमिका रहती है। तो किसानों भाइयों, आपने आज वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से यहाँ डॉक्टर मंगल सेन कृषि विज्ञान संग्रहालय में उपस्थित रहते हुए डॉक्टर रामधन सिंह फार्म का भ्रमण किया। भविष्य में इस वर्चुअल रियलिटी तकनीक में नए नए आयाम प्रदर्शित करने के वायदे के साथ आपसे अनुरोध करते हैं कि इस उपकरण को धीरे से उतारें और बाकी म्यूजियम का अवलोकन करते हुए अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करके आनंद उठाएँ। धन्यवाद।